नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल सिविल नोटबुक पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 950 स्क्वायर फीट 3 BHK हाउस प्लान के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो दोस्तों, इस तरफ हम लोगों ने रखा है 38 फीट और इस तरफ हम लोगों ने रखा है 25 फीट। ये है दोस्तों मेन एंट्रेंस, इस तरीके से देखिए अप हो रहा है, ओके। और यहाँ पर है दोस्तों एक पैसेज। तो इस तरफ की डायमेंशन है दोस्तों 6 फीट, ओके। यहाँ पर है दोस्तों पहला बेडरूम, ओके। तो इस बेडरूम में देखिए हम लोग दो विंडो रखे हैं और यहाँ पर एक डोर है। तो इस बेडरूम की डायमेंशन है दोस्तों 9 फीट 10 इंच इस तरफ एंड 10 फीट 2 इंच इस तरफ, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों किचन। तो दोस्तों, किचन काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर हम लोगों ने एक विंडो रखा है और इसका डायमेंशन है दोस्तों 7 फीट 4 इंच एंड 10 फीट 2 इंच इस तरफ। यहाँ पर है दोस्तों टॉयलेट एंड बाथ, ओके। तो ये है दोस्तों पहला टॉयलेट एंड बाथ, यहाँ पर हम लोगों ने और एक टॉयलेट एंड बाथ रखा है, ओके। तो ये है दोस्तों वेंटिलेशन सिस्टम और यहाँ पर हम लोगों ने रखा है डोर, ओके। तो इसका डायमेंशन है दोस्तों 6 फीट 5 इंच, 6 फीट 5 इंच इस तरफ एंड इस तरफ की जो डायमेंशन है ये है दोस्तों 6 फीट 7 इंच, ओके। इसके बाद है दोस्तों दूसरा बेडरूम। तो इस बेडरूम में भी हम लोग दो विंडो रखे हैं और यहाँ पर एक डोर है। इस बेडरूम की डायमेंशन है दोस्तों 11 फीट 7 इंच और 11 फीट 9 इंच इस तरफ, ओके। यहाँ पर है दोस्तों तीसरा बेडरूम। तो इसमें भी देखिए दो विंडो हम लोगों ने रखा है और यहाँ पर एक डोर है। तो इसका जो डायमेंशन है दोस्तों 11 फीट 7 इंच इस तरफ एंड 11 फीट 2 इंच इस तरफ, ओके। तो यहाँ पर है दोस्तों दूसरा टॉयलेट एंड बाथ, यह है इसका डोर, यहाँ पर है दोस्तों वेंटिलेशन सिस्टम। तो इसका जो डायमेंशन है दोस्तों इस तरफ है 4 फीट 7 इंच और इस तरफ डायमेंशन है दोस्तों 6 फीट 5 इंच, ओके। ये है डाइनिंग हॉल। तो डाइनिंग हॉल भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर आप लोग बेसिन वगैरह रख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने और एक विंडो रखा है, ओके। तो इसका डिस्टेंस आपका हो रहा है यहाँ से, यह है दोस्तों 8 फीट 3 इंच, ओके। तो यह है दोस्तों स्टेयर, स्टेयर देखिए इस तरीके से अप हो रहा है। यह है दोस्तों लैंडिंग, इस तरीके से स्टेयर अप हो रहा है, ओके। तो स्टेयर की विड्थ हम लोगों ने रखा है 3 फीट, ओके। और इस तरफ हम लोगों ने रखा है 3 फीट और दोस्तों ये है टोटल 6 फीट 9 इंच, ओके। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा प्लान 950 स्क्वायर फीट 3 BHK। अगर दोस्तों आप लोग 2 BHK चाहते हैं, ओके, तो यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर दो बेडरूम रख दीजिए और इस बेडरूम के जगह पे आप स्टडी रूम भी बना सकते हैं, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी एक्सटीरियर वॉल है ये हम लोगों ने रखा है 10 इंच का और इंटीरियर जो वॉल है ये है दोस्तों 5 इंच का, ओके। तो दोस्तों अगर आप लोग ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो एक्सटीरियर वॉल को आप 5 इंच भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, ओके। तो दोस्तों यह है पूरा का पूरा प्लान, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे।